बाल विकास परियोजना यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसके अंतर्गत बिहार राज्य के हर जिले हर गांव पंचायतों में आंगनबाड़ी केंद्र हो, जहां 3 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चे को शिक्षा और पोषाहार, खेल सामग्री, महिलाओं को धात्री महिलाओं को पोषाहार, किशोरी महिलाओं और गर्भवती महिलाओं को पोषाहार दिया जाता है। लेकिन सीतामढ़ी जिले के कई ब्लॉक और गाँव में कहीं सेवका है तो कहीं केंद्र नहीं, जहां केंद्र है वहां सेवका सहायिका नहीं। यहां पर समस्या यह है कि आंगनबाड़ी बन चुका है, इसमें आंगनबाड़ी सहायिका किसी को भी बहाली नहीं हो चुका है। इसका कारण यह है कि बच्चा जो है सो इधर उधर माने भटक रहा है, उसको शिक्षा नहीं मिला है अच्छा तरह से। महिलाओं को क्या स्थिति है? महिलाओं को अभी जो किशोरी है, लड़की जो गर्भवती है, उस सबको कुछ आहार पोषक नहीं मिलता होता है। कई गो बच्चा है अपने के आंगनबाड़ी? 3 गो पढ़े वाला। 3 गो आंगनबाड़ी केंद्र पर पढ़े वाला? हाँ। अहाँ के बउआ सब पेट में रहे तो पोषाहार मिलत? ना आशा के मतलब है तो गर्भवती महिला के यहाँ पर आती है तो वहाँ पर टीका उका दिलवाती है, बस हो गया अपना दूरे पर, वो भी हॉस्पिटल में इसी पड़ा रहता है। मतलब कि वहाँ टीकाकरण भी इन लोगों के उनके दरवाजे पे होना? वो दरवाजे पर करवा लेते हैं, हॉस्पिटल में जाते भी नहीं है। की चाहे छी अपने? चाहे छी जो हो जाती तो अच्छा रहले, जो मिलती है लड़की सब के मिलित रहले, से सब छोड़े से कौन फायदा हो। यहाँ की ग्रामीण चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ सेवका सहायिका बहाल हो और यहाँ की बच्चे को आंगनबाड़ी से मिलने वाली सुविधाएं उन्हें मिले और किशोरी बच्ची और महिलाओं को, धात्री महिला, गर्भवती महिलाओं को उनका पोषाहार सुविधा मिल पाए। मैं वीडियो देखने वाले सारे दर्शकों से अनुरोध करती हूँ कि वह डुमरा सीडीपीओ को इस नंबर पर कॉल करें, जो नंबर है 9431003508। मैं गुड्डी, जिला सीतामढ़ी, बिहार से, इंडिया अनहद के लिए।